जडेजा जो कि एक टाइम पर बैट से चेन्नई की टीम के लिए कमाल किया करते थे, लेकिन आजकल इन दिनों जडेजा का बैट बिल्कुल खम्भे सो रखा है। चेन्नई और लखनऊ के मैच में जडेजा को नंबर 4 पर मौका दिया गया, लेकिन जडेजा इस मैच में कुछ भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जडेजा को दुबई से पहले भेजा गया, लेकिन इसके बाद में भी जडेजा ने 19 बॉल में मात्र 16 रन की पारी खेली। आईपीएल का 49वां मैच लखनऊ और चेन्नई के बीच खेला गया। इसमें लखनऊ ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। चेन्नई के लिए राणे और गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत करी। गायकवाड़ ने इस मैच में शानदार शतक जमाया। गायकवाड़ ने 60 बॉलों में 108 रन की पारी खेली। गायकवाड़ के साथ साथ शिवम दुबे ने भी इस मैच में 27 बॉलों में 66 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। और मैच को फिनिश करने का काम किया एमएस धोनी ने लास्ट बॉल पर चौका मारकर सीएसके की टीम को इस मैच में 20 ओवर में 210 रन के टारगेट तक पहुंचाया। तो आगे वीडियो के बारे में बात करूं, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 211 रन के लक्ष्य पीछा करने के लिए लखनऊ की टीम की ओर से केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों इस मैच में जल्दी आउट हो गए। इसके बाद में नंबर 3 पर इस मैच में खेलने के लिए आए मार्कस स्टोइनिस, लेकिन स्टोइनिस ने इस मैच में अपने पैर करीब से जमा लिए। स्टोइनिस ने इस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी की। स्टोइनिस ने 63 बॉलों में 6 चौकों की मदद से 124 रन की पारी खेली। स्टोइनिस की पारी चलते लखनऊ की टीम ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया। स्टोइनिस के साथ साथ निकल्स पुट ने 15 बॉलों में 34 रन की भूमिका निभाई, लेकिन इस मैच में स्टोइनिस की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जिसके दम पर लखनऊ ने यह मैच जीत लिया और स्टोइनिस को इस पारी चलते इस मैच से मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।